इधर बात कर। कौन है? थोड़ा सा परिवार के बारे में। थाना धूमनगंज के मुंडेरा मोहल्ले में आज एक घटना हुई है, जिसमें टोनू नाम के व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल है और वो रहने वाला दयालु का पांडा का पुरवा थाना पूरा मुफ्ती का है, लेकिन मुंडेरा में ही अपनी मौसी के यहाँ बचपन से यही रहता था। उसी मोहल्ले के पास में ही रहने वाला शिव कुमार का परिवार है, जहाँ उसका आना जाना था, और वहाँ आने जाने के दौरान ही शिव कुमार के परिवार में उनकी लड़की से उसका कुछ नज़दीकियाँ बढ़ी और बातचीत शुरू हुई। रात में बताया गया है कि लड़की के बुलाने पर यह उसी घर में चला गया था, जहाँ उसको वहाँ पर साथ में देख करके लड़की के पिता शिव कुमार, दोनों भाई ननका और प्रभात और माँ ने मिल करके उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जिसे वो गंभीर स्थिति में घायल हो गया। पुलिस को रात को सूचना मिली, तत्काल जाकर के उसको अस्पताल ले गई, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में FIR दर्ज करके घटना से संबंधित 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। शेष ननका फरार है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मिलने नहीं गया था वो, उसको गुमराह करके उसको बुलाया गया है लड़कों को, तभी वो लड़का गया है कहीं आइए हम पार्टी करते हैं, पार्टी के बहाना लड़कों को बुलाया गया, उसके बाद उसके ऊपर वार किया गया है, उसके बल्ली से मारे हैं, ईंटा से मारे हैं, उसका पैर भी तोड़ दिए हैं, मुंह में कपड़ा भी ठूंस के मारे हुए, जो कि मैंने सबूत अपने आँख से देख के आई हूँ थाने पे। मेरा कहना यही है कि मुझको मेरा औलाद चाहिएगा, बाकी मुझको धन दौलत पर पार्टी नहीं चाहिए। मतलब लड़के घर वाले गलत बता रहे कि वो मिलने गया था? जी सर, ये सरासर गलत है। क्या इससे पहले भी लड़ाई वगैरह कुछ हुई? जी सर, इससे पहले 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसमें भी लड़की का आरोप मुहड़ा बना के खड़ा कर देते कि केस मेरा हल्का हो जाए। अच्छा। जो मेरा कहना सही सबूत है, मैं वो बयान दे रही हूँ। पहले से मारने के ताक में? पहले सर, ये 2 साल पहले से प्रोग्राम बन रहा है, मेरा कहने जो मुझको जानकारी हूँ बता रही हूँ। तब हम लोग भागा है। अच्छा, गांव वहाँ घर से? हाँ, घर से भागा है। कहाँ रहती हैं आप? हम लोग पंगहर पे रहते हैं। अच्छा, आपका लड़का है? हाँ, हमारा लड़का है। अपना नाम बताइए। निर्मला।